सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग कई बार जब कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, या जब कोई बड़ा बिग डाटा पे हम लोग काम करते हैं, बहुत बड़ा एनालिसिस करना होता है, या कोई गेमिंग गेम खेलना होता है, या कोई वीडियो एडिटिंग करना होता है, वैसे समय पे कई बार हम लोगों को ये महसूस होता है कि हम लोगों का रैम जो है वो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इस तरह से परफॉर्म करे, और वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम आता है या गेम खेलने के समय प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग इसको टेम्प्रोरली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड की मदद से। हम लोग पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को एक रैम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टेम्प्रोरली वर्चुअल रैम के रूप में उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। हालांकि ये आपके सिस्टम में कहीं इसका दिखता नहीं है कि रैम, जैसे यदि आप 4 GB पहले से लगाए हुए हैं तो 8 GB हो जाएगा, ऐसा ये कहीं दिखता नहीं है, बट आपके परफॉर्मेंस से, आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस से आपको ये महसूस होगा कि ये पेन ड्राइव जो है रैम के रूप में काम कर रहा है। और रैम जब पेन ड्राइव जब इंगेज होता है, जब उसको हम लोग रैम के रूप में बूस्ट करते हैं, तो उस समय भी वो दिखता है कि ये इंगेज है। और इसमें मैक्सिमम, हालांकि हम लोग 4 GB तक ही पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप 16 GB का भी पेन ड्राइव लगाएंगे तो वो 4 GB ही मैक्सिमम उसका हम लोग वर्चुअल रैम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पेन ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को हम लोग रैम के रूप में, वर्चुअल रैम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होगी जैसी एक फिजिकल रैम की होती है, लेकिन टेम्प्रोरी यदि आपको काम करना हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। थैंक यू। को रैम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है। फॉर्मेट करने के बाद उसका इस्तेमाल हम लोग आगे के प्रोसेस के लिए करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक 4 GB का रैम को पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया है, और उसके बाद उसको मैंने फिर से यूज किया। यहाँ पे देखिए 4 GB का एक पेन ड्राइव है, और इसको हम लोग राइट क्लिक करेंगे और उसके प्रॉपर्टी में जाएंगे। इसको मैं पहले जूम करके दिखलाता हूँ। इसका राइट क्लिक करके उसके बाद प्रॉपर्टी में हम लोग जाएंगे। प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन आता है रेडी बूस्ट का, सेकंड लास्ट ऑप्शन है। एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन देखिए है हमारा रेडी बूस्ट का, इसको क्लिक करना है। और रेडियो बटन है यूज दिस डिवाइस, इसको क्लिक करके अप्लाई कर देना है, और हमारा पेन ड्राइव जो है वो रैम के रूप में काम करने के लिए इसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। अब यहाँ पे ओके कर देना है। अब ये हमारा जो पेन ड्राइव था ये रैम के रूप में इस सिस्टम में काम करने लगा है, और यहाँ पे ये शो कर रहा है, देखिए हमारा पूरा 4 GB का पेन ड्राइव जो वो इंगेज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग तत्काल यदि रैम बढ़ाने की आवश्यकता हो तो वर्चुअल रैम के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस रैम को फिर से यदि अनप्लग करना हो तो सेम प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे। प्रॉपर्टी में जाएंगे और रेडी बूस्ट पे फिर से क्लिक करेंगे, और थर्ड ऑप्शन की जगह फिर से हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे ये जो रेडियो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करके अप्लाई करने पे वो फिर से पेन ड्राइव जो है वो नॉर्मल मोड में आ जाएगा, और उसका इस्तेमाल हम लोग फिर से पेन ड्राइव के रूप में कर सकते हैं। डायरेक्टली यदि हम लोग पेन ड्राइव को अनप्लग करेंगे तो हो सकता है कि वो करप्ट कर जाए, तो इसलिए हमेशा हम लोग सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।